क्षेत्रीय भावनाओं को भड़काकर राष्ट्रीय एकता को खंडित करने की कोशिश करने वाली शिवसेना और उसके प्रमुख उद्धव ठाकरे को अब केंद्र सरकार के हस्तक्षेप की जरूरत पड़ गई है। महाराष्ट्र के लोगों के मन में बिहार और यूपी वालों के लिए जहर भरने वाले उद्धव ठाकरे को कर्नाटक के लोगों से परेशानी होने लगी है। दरअसल बेलगांव का विवाद अब हिंसक आंदोलन की ओर बढ़ रहा है। कुछ दिनों पहले उद्धव ठाकरे ने बेलगांव को पूरी तरह महाराष्ट्र का हिस्सा बनाने की घोषणा की थी। इसके कारण बेलगांव में कन्नड़ और मराठी का विवाद फिर से बढ़ने लगा। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए मराठी कार्ड खेलने की कोशिश करने वाले उद्धव ठाकरे को इसका अंदाजा भी नहीं था कि यह विवाद इतना हिंसक हो जाएगा। अब बेलगांव में मराठी और कन्नड़ के बीच जंग छिड़ गई है। पिछले कुछ दिनों से यहाँ हिंसा की छिटपुट घटनाएं सामने आई हैं। उद्धव ठाकरे के बहकावे में आकर जब कुछ मराठी भाषी लोगों ने यहाँ अपनी दुकानों के बोर्ड बदल दिए तो मामला और भी गंभीर हो गया। इन लोगों ने अपनी दुकानों के बाहर केवल मराठी में बोर्ड लगाने शुरू कर दिए। इसके कारण कन्नड़ कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि मराठी में लिखे बोर्ड को काले रंग से पोत दिया गया। लेकिन मामला यहीं पर नहीं रुका। मराठी और कन्नड़ का विवाद अब और ज्यादा गहरा गया है। दोनों ही ओर से पत्थरबाजी होने लगी है। एक तरफ शिवसेना के कार्यकर्ता भाषाई विवाद को बढ़ा रहे हैं तो दूसरी ओर कन्नड़ कार्यकर्ता हिंसा पर उतारू हो गए हैं। पिछले दिनों महाराष्ट्र की एक बस के ऊपर कर्नाटक के लोगों ने पत्थरबाजी कर दी। इसके बाद दोनों ही ओर से पत्थरबाजी शुरू हो गई, जिसके कारण कुछ लोग घायल भी हो गए। इस घटना के बाद शिवसेना की आंखें खुलने लगी हैं। उद्धव ठाकरे के करीबी नेता और शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने इस घटना की जांच के लिए महाराष्ट्र सरकार से एक डेलीगेशन भेजने की अपील की है। यही नहीं, संजय राउत ने तो महाराष्ट्र सरकार से इस बात की भी अपील की है कि अगर उन्हें मौका दिया गया तो वे खुद जाकर इसकी जांच करेंगे। संजय राउत ने इसकी जांच की मांग के साथ साथ केंद्र से भी इस मामले में हस्तक्षेप की बात कही है। संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेलगांव विवाद के समाधान में भूमिका निभाने की अपील की है। उन्हें अब राष्ट्रीय एकता याद आने लगी है और बेलगांव को भारत का हिस्सा होने की बात करके वहां होने वाली हिंसा को बढ़ने से रोकने के लिए केंद्र की मदद चाह रहे हैं। लेकिन यही शिवसेना जब बिहार और यूपी के लोगों के साथ गलत व्यवहार करती है तो उस समय इन्हें केवल महाराष्ट्र और मराठियों की एकता दिखाई पड़ती है। अब जब इनकी मुसीबत बढ़ने लगी है तो राष्ट्रीय एकता का हवाला देने लगे हैं। खैर, अगर शिवसेना के नेताओं को राष्ट्रीयता का असली मतलब समझ आ गया है तो अब भी बहुत देर नहीं हुई है। वो इस बात को याद रखें और जब मुंबई में महाराष्ट्र के बाहर के लोगों के साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार होता है तब भी यही बात दोहराएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।